हाय गाइज, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडोनेस्ट में वेलकम है। गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एमएड थर्ड सेमेस्टर में जो लेशन प्लान बनाई हूँ उसको शेयर करूँगी। मेरे कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सहरसा, एफिलिएटेड टू BNMU मधेपुरा बिहार। और इसको मैं खुद से ही बनाई हूँ लेशन प्लान का कवर पेज। देखते हैं आप क्या क्या इंडेक्स में है। इंडेक्स में जो जिस जिस टॉपिक पे मैं लेशन प्लान बनाई हूँ, पहला टॉपिक है भाषा की प्रकृति, विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ, बच्चे तथा बचपन, मनोसामाजिक अवधारणा, ये फोर्थ लेशन प्लान का टॉपिक है। और फिफ्थ है विद्यालय और समाजीकरण, बच्चे तथा बचपन की समझ, समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। टोटल 7 लेशन प्लान में बनाई हूँ। अब पहला लेशन प्लान देखते हैं। ये इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पे मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मधेपुरा। डेट देना बाकी है। विशेष उद्देश्य भाषा की समझ, भाषा की प्रकृति प्रकरण, सेकेंड कालखंड और 40 मिनट का पीरियड होता है। तो ये आप प्रत्येक लेशन प्लान में सेम ही लिख सकते हैं, बस यहाँ कालखंड चेंज होगा और टॉपिक चेंज होगा। फिर इसमें देखते हैं सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों में भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। आप 3 से 5 उद्देश्य लिख सकते हैं, मैं 3 ही दी हूँ। मुख्य उद्देश्य है मेन ऑब्जेक्टिव, भाषा की समझ की प्रमुख अवधारणाओं को विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे, आरंभिक भाषा विकास के बारे में जान सकेंगे, भाषा के प्रयोग के बारे में जान सकेंगे। शिक्षण पद्धति में प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि। शिक्षण सूत्र में हो जाएगा आगमन एवं निगमन, ये छूट गया, इसको लिखना बाकी है। शिक्षण सहायता सामग्री है चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट, पाठ से संबंधित चार्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में आपको टॉपिक पे आने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछना होता है बच्चों से, तो वो है मनुष्य अपनी बात कैसे कह पाता है, मनुष्य अपनी बात भाषा की मदद से कह पाता है, भाषा किस चीज का माध्यम है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, हम भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है समस्यात्मक हो जाएगा। उद्देश्य कथन, स्टूडेंट्स आज हम लोग भाषा की समझ के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश की हूँ अच्छा, मतलब अपना 100% देने का कोशिश को की हूँ लेशन प्लान में। फिर जो शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट कार्य। एक लेशन प्लान में आप कम से कम 2 टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। फिर भाषा की प्रकृति पहला टॉपिक है, इसमें विकासात्मक प्रश्न, भाषा का अर्जन मनुष्यों में कैसे होता है, ये बच्चे इसका आंसर दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, प्रॉब्लम समस्यात्मक होगा, तो भाषा का सृजन कैसे होता है, ये समस्यात्मक हो जाएगा। इसमें हम लोग जो श्यामपट कार्य है उसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर जब यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन, इसमें कंटेंट डिस्कशन होगा, तो इसमें जो लिखे हैं भाषा शब्द के बारे में, भाषा के बारे में, और इसको जब विद्यार्थी विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखेंगे, छात्र क्रियाएं में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको व्याख्या विधि लिखेंगे। फिर श्याम पट के लिए ये ब्लैक चार्ट पेपर का यूज की हूँ मैं। और अगर प्रदर्शन विधि कर रहे हैं तो आप चार्ट पेपर पे टॉपिक से रिलेटेड फिगर बना के लगा सकते हैं। फिर लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो लिखे हैं इस फर्स्ट रिलेशन प्लान का, वो है शब्द संरचना। इसमें भी सेम चीज है, आपको विकासात्मक प्रश्न से स्टार्ट करना होगा। अब देख लीजिए,
ये मैं डीएलएड का वहां पे डाइट गई थी तो डीएलएड का क्लास ली, उसी का ये सिलेबस से मैं लेशन प्लान बनाई हूँ। अगर आप लोग को लगेगा कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है तो चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा। फिर लास्ट में हो जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सत्य एवं असत्य बतावे, सही कथनों का मिलान करें। फिर हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर गृह कार्य, उसके बाद हो जाएगा पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और छात्राध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।